बाद उनको अंदरून सिंध से जो है वो ले जाया जाता था, जबकि बलूचिस्तान के रास्ते जो है वो मुख्तलिफ शहरों में पहुंचाया जाता था। इसके अंदर बताया जा रहा है कि बैन अल-अक़वामी सूबाई गिरोह का जो अहम कारिंदा है, जो कि पूरे का पाकिस्तान के अंदर गाड़ियां भेजने में था, जहाजी पाकिस्तानी के नाम से उसकी शनाख्त हुई है। पुलिस का यह कहना है कि हाजी पाकिस्तानी की गिरफ्तारी भी जल्द मुतवक्के है, जबकि गिरोह के दो कारिंदे इससे कबल भी गिरफ्तार हो जा चुके हैं। जबकि गुलशन गोपां के बारे में बताया जा रहा है कि वो जो है तमाम तर गाड़ियों को छीनने के बाद उनको दूसरे शहरों में मुंतकिल कर दिया, जिसके बाद इनको जो है वो बलूचिस्तान के रास्ते जो है वो फरोख्त किया जाता है। जहांजेब खान, अपडेट कीजिएगा, ये गिरोह कितने अरसे से शहर कायद में सरगर्म अमल था, और इसके अलावा किन किन शहरों में मजीद ये कार्रवाइयाँ की गई हैं इस हवाले से? जी बिल्कुल साहिबा, ये छह गिरोह का जो है, छह लोगों पर मुश्तमिल गिरोह बताया जा रहा है, जो कराची में अरसा दराज से इस तरह की वारदातें सर अंजाम दे रहा है। पुलिस का ये कहना है कि इस गिरोह पर तीन मुलजिमान जो है उनको तो गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि आइंदा चंद रोज के दौरान भी जो है वो अहम गिरफ्तारियां अमल में आ सकती है। इसी के साथ तो बताया जा रहा है कि मुलजिमान से तकरीबन 400 के करीब जो है वो कराची से छीनी गई गाड़ियां बरामद भी की जा सकती है। इसी के साथ बताया जा रहा है कि हाजी पाकिस्तानी नामी शख्स जो है वो बलोचिस्तान समेत अंदरून सिंध के जो है सियासी ठीक है। जहांजेब खान, जाना आपसे ये भी चाहेंगे, जैसे कि आपने अपडेट किया कि ये जो ग्रो है ये नई मॉडल की गाड़ियां जो है वो छीना करता था कराची के मुख्तलिफ इलाकों से, तो जो नई मॉडल की गाड़ियां होती हैं उनमें तो ट्रैकर नस्ब होते हैं और बिना किसी टेक्निकल असिस्टेंस के उन्हें निकालना भी मुमकिन नहीं। इस हवाले से क्या तफसीलात मौसूल हुई हैं, किस तरह उन गाड़ियों को अंदरून सिंध मुंतकिल किया जाता था और ट्रैकर के जरिए वो ट्रैक भी नहीं हो पाती थी, इस हवाले से भी अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल अर्जुमन, ये तमाम तर गिरोह जो है ये आला तालीम याफ्ता बताया जा रहा है। तमाम तर लोग जो है वो इसमें अच्छे इक्विपमेंट इस्तेमाल करते थे, जिसके बाद जो है तमाम तर गाड़ियों से ट्रैकर सिस्टम खत्म कर दिए जाते थे। जब हत्या के ट्रैकर सिस्टम से ये तक आइडिया नहीं हो पता ट्रैकर कंपनीज को कि ये गाड़ियां जो है वो किसी और शहर मुंतकिल की जा चुकी है। तमाम तर कार्रवाई अमल देने के बाद जो है इन गाड़ियों को अंदरून सिंध समेत बलोचिस्तान की अहम शख्सियात में भी जो है वो तकसीम किया गया, जिसके बारे में बताया जा रहा है कि तकरीबन 400 के लगभग गाड़ियां बताई जा रही है जो अहम शख्सियात के पास इस वक्त मौजूद है। जी ठीक है, एंटी कार लिफ्टिंग सेल ने कार्रवाई की है, बैनुल सूबाई कार लिफ्टर ग्रोह का सरबरा गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बताते चलें, बदनाम जमाना कार लिफ्टर गुलशन गोपांग को कराची से गिरफ्तार किया गया है। नुमाइंदा बिजनेस प्लस जहांजेब खान अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया।